और जब से मेरा फाइन हुआ है ना, तो तब से यहाँ पे बाइक रख रहा हूँ। यहाँ देखो भाई, बहुत सारे नोन का है, और मेरा ऊपर वाला जो रूम है वहाँ पर जो कपड़े सुखाए वो रूम है। अब रेडी हो गया मेरा सिस्टम, तो गाड़ी स्टार्ट पे है और मेरा लॉगिन का टाइम भी है इसमें, लॉगिन का टाइम भी है, ड्यूटी टाइम एक शिफ्ट है, क्योंकि मेरा तबीयत कल से बहुत ख़राब चल रहा है, बुखार आ गया है, ठंड ज़्यादा हो गया ना, तो ठंड की वजह से वेदर चेंज हो रहा है, तो इसके वजह से मुझे बुखार आया। तो कल से मैं फेवर की दवाई खा के काम कर रहा हूँ, अभी भी फेवर की दवाई खा के निकलने वाला हूँ, तो निकल जाऊँगा कुछ देर में। यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है मेरा, स्टार्ट हो जाएगा मेरा जर्नी। तो अभी से कितना करूँगा काम पता नहीं, क्योंकि तबीयत के ऊपर डिपेंड है आज। और यहाँ पर बाइक समझाना पड़ रहा है, बाइक देख रहा हूँ कि भाई चमक रहा है कि नहीं मेरा बाइक, क्योंकि नया बाइक है ना। और मैं हमेशा ना गाड़ी स्टार्ट जब करता हूँ ना, 10-15 मिनट में ऐसे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरा असूल है, बचपन से मैं ही सिखा हूँ। ये मेरे पापा बोलते हैं कि इंजन वाला चीज़ है, इंजन जब भी स्टार्ट करो कम से कम 2-3 मिनट 4-5 मिनट स्टार्ट पे रखो, एक्सीलेटर लेना नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, पापा ने सिखाया है, पापा का फैन हो बहुत। स्टार्ट कर लिया हूँ, किसी दिन बनाऊँगा मोटो ब्लॉगिंग, जिस दिन पैसा कमा लूँगा अच्छा से, और मोटो ब्लॉगिंग के लिए गियर सब यूज करना पड़ता है, GoPro कैमरा और अच्छा सा एडिटिंग करने के लिए लैपटॉप, तो बस ये 2 चीज़ बाकी है मुझे लेने के लिए। जिस दिन ये 2 चीज़ ले लूँगा ना, तो फोटो ब्लॉगिंग रोज में करने की कोशिश करूँगा, तो बताऊँगा यहाँ का ट्रैफिक का रूल। क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही बनाता हूँ। तो ये रहा मेरा फुल सेटअप, दो तीन लिए निकलने वाला हूँ, 35-40 मिनट में पहुँच जाऊँगा करीना की तरफ। तो वहाँ से रात के 12 बजे तक देखती है, 12 से रूम पर पहुँचा दो, तो इस वजह से तबीयत ख़राब हो गई मेरा, मुश्किल है भाई बाइक में, मुश्किल है बहुत। लो जी दोस्तों, पहुंच गया हूं अपने जोन पे, जोन का नाम है अलबरसा 3:15 बजे से 11:15 बजे तक। तो मुझे करना होगा स्टार्ट शिफ्ट, स्टार्ट शिफ्ट है, उसमें चूज किया मैंने मोटरसाइकिल और बैग टैग मेरे पास बॉक्स लगा हुआ है, तो स्टैंडर्ड बॉक्स, और इसमें क्लिक किया, ये हो गया स्टार्ट। लो जी रेडी हो गया मेरा, ड्यूटी स्टार्ट हो चुका है। मौसम कुछ सुहाना लग रहा है, और ये मेरा लॉगिन जोन है, यहाँ से मैं लॉगिन कर रहा हूँ और सीधा मुझे पटक देता है मरीना पे, तो मरीना पे चला जाता हूँ ना, तो ज़िंदगी झंड हो जाते यार, बड़े बड़े बिल्डिंग पिकअप करना, ड्रॉप अप करना, आईडी जमा करवाना, बहुत बड़ा टाइम लग जाता है। सबसे बेटर अभी के लिए ना, नए बंदे जो सोच रहा है जाने के लिए, सबसे बड़ा बेटर जगह है मोटर सिटी, और मोटर सिटी में एक और है ग्रीन कम्युनिटी, ये दो एरिया बहुत बेटर है नए बंदे के लिए। तो नए बंदे के लिए मोटर सिटी बिल्कुल सही जगह है, मोटर सिटी पे आप सेटल हो जाओगे ना, तो मामला ये है कि थोड़ा वहाँ पे पार्किंग का सुविधा है और फाइन का मसला उतना ज़्यादा नहीं है मोटर सिटी पे, मोटर सिटी हो गया, ग्रीन कम्युनिटी हो गया, तो वहाँ पे फाइन का सिस्टम उतना नहीं है। जहाँ जिस जोन पे मैं रहता हूँ ना, अभी भी वहाँ पे RTA खड़ा हुआ है, तो बाइक वाले लोग इधर उधर बिखरा हुआ है, कोई इधर कोई उधर, तो करीबन यहाँ पे 100-150 राइडर होगा अभी। तो फिर भाई ये तो बनता है ना चलान कटना, क्योंकि यहाँ पे चलान से ही तो सही सिस्टम चल रहा है ना, अगर चलान वाला सिस्टम अपने इंडिया के जैसा हो जाए ना, फिर तो यहाँ पर बहुत धांधली हो जाएगा, बहुत धांधली मचाएगा, तो इसलिए सही है चलान का सिस्टम, अपने जगह पर सही है, हमारे लिए सही नहीं है यार। कमाते कितने, 100-150 कमाते हैं, और चलान भर भर के आता है, ठूस ठूस के चलान आता है, चलान से बुखार आ गया है यार, ये चलान नहीं रहता ना तो ये बुखार नहीं आता। और कल गैरेज गया था मैं, गैरेज से जैसे निकला तो गैरेज के गेट के सामने RTA वाला खड़ा है, फिर ऑर्डर भी आ चुका था उस टाइम में सर्विस करवाने के लिए गया था, जैसे सर्विस फिनिश हुआ ऑर्डर भी आ गया था, तो मैं बाहर
जाऊँ या ना जाऊँ कंफ्यूज में था। तो दोस्त लोग बोल रहे थे, बाकी सारे राइडर थे ना वहाँ पे, तो बोल रहे थे कि बाहर मत जाओ, राइडर वो आरटीओ वाला खड़ा है। मैंने बोला कि आरटीओ वाला खड़ा है तो क्या यार, अपना ड्यूटी करेंगे, सब कुछ है मेरे पास। तो ये जो कूनों में, जो मैं कूनों में लगाया हूँ ना ये सेफ्टी, तो हमेशा मैं अंदर पहनता था तो ये बाहर नहीं था। तो जैसे मैं गेट पे पहुंचा, आरटीओ वाला ने मुझे रोका तो बोला कि भाई रिमूव योर जैकेट, ऐसा बोला। तो उसने बोला तो भाई जैकेट तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे पता था कि सेफ्टी है मेरे पास, फुल सेफ्टी है। तो अंदर था मैं, अंदर पहना था, तो जैकेट खोल के फिर मुझे ये बाहर करवाया। तो बोल रहा है कि पहली बार है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, दोबारा ऐसे हरकत मत करना, सेफ्टी हमेशा कपड़े से बाहर होना चाहिए ताकि छुपा के नहीं, ऐसा बोला। और ये ग्लोव्स है ना जो पंजा, इसमें अलग अलग होता है राइडर का, जो कि 10-15 दिराम 20 दिराम में मिल जाते, तो ये भी सही नहीं है। और ये उंगली के मैं कट किया हूँ इस वजह से, ताकि मोबाइल टच करना पड़ता है हमें हाईवे रोड पे, तो इस वजह से मैं होल बना के रखा हूँ दोनों पंजों पे, दोनों साइड पे। तो बी केयरफुल, मैं केयरफुल ही बोलूँगा कि केयरफुल रहो दोस्तों, आरटीओ वाला भी सामने है, अगर कोई राइडर वाला देख रहे हो तो भाई सही से यार, अरबिक एरिया में यार डर लग रहा है वीडियो बनाना। और जब से मोनेटाइज हो गया है ना, तो वीडियो लाजिम देना पड़ता है मुझे, बगैर काम के ब्लॉग बना रहा हूँ, कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा है, ब्लॉग ऐसे ही बना रहा हूँ मैं। अब तो थोड़ा ठंडक मिला होगा कलेजे में। मैंने व्हाट्सएप नंबर हटा दिया अपने डिस्क्रिप्शन से, व्हाट्सएप नंबर रखा था भाई आप लोगों को कुछ दो सवाल बताऊँगा पाऊँ। मैं बोला कि मैं लेट हो जाता हूँ व्हाट्सएप में मैसेज करने का, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे 10 घंटा 12 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई दे देता हूँ, और कभी कभार तो यूँ ही सेकेंडों में रिप्लाई कर देता हूँ, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन से मैंने हटा दिया अपना व्हाट्सअप नंबर, अभी कभी शो करूँगा भी नहीं। और जो बंदे जितना भी आप लोग ने व्हाट्सअप पे मैसेज सेंड किए हो ना, तो मैं एक दिन मैं रिप्लाई करूँगा टाइम से। तबीयत थोड़ा ख़राब है मेरा, बुखार आ गया है मुझे, फीवर है, साथ में सर्दी, नाक से ना पसीने ज़्यादा निकल रहा है, पसीने बोलते हैं ना, क्योंकि दूसरा तो चीज़ बोल नहीं सकता हूँ ना मैं, पसीना ज़्यादा निकल रहा है नाक से, सफाई कर कर के यहाँ पे ना वो कुछ हो गया है मुझे नाक के नीचे। तो वहाँ पे चाय मिल रहा है, बिरयानी मिल रहा है, और यहाँ पे किचन है, स्वीट आर्ट किचन है, डिलबरो का है, और वन किचन है, और ये बाइक राइडर लोग हैं, यहाँ से लेके पूरा बिखरा हुआ है, बाइक बाइक बाइक, टोटली बाइक, टोटली बाइक, और रात तक ये डिलबरो का है सिस्टम, ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो आज ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर नहीं मिला है, बस बैठ रहा हूँ मैं तो मना रहा हूँ कि ऑर्डर ना आए, क्योंकि भाई मेरा तबीयत ख़राब है। और वहाँ से मेरा दोस्त आ रहा है मेरे लिए नाश्ता लेके, क्योंकि मुझे बहुत प्यार करता है, ये नेपाल का है, आ रहा है लटक मटक चटक मटक चल के, वो आ रहा है चाय लेके, नाश्ता लेके मुझे खिलाने के लिए, वो चाय वाला है, क्योंकि दोस्त ऐसे ही नहीं बनता। मैं देखो ये चाट है, वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मैं बीमार हूँ इसलिए मेरे लिए लेकर आया दोस्त ने, और ये चाय भी इतना प्यार करता है ना भाई, दोस्ती ऐसे नहीं बनता है। मैं अगले वीडियो में भी बताया था ना भाई, जरा पकड़ो यार, पकड़ो यार, रुको, दोस्त ऐसे नहीं बनता है, दोस्त बनाने में भाई बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो बंदा सच्चा होता है ना, सच्चा यार होता है ना, ऐसे ही दोस्ती बनते हैं, और जो सुख दुख में ना दोस्ती के काम लगता है, इसलिए भाई विदेश में प्रदेश में सही से रहो, सही से मिल के रहो, दोस्ती ऐसे नहीं बनता, मैं बार बार यही बोलूँगा, क्योंकि भाई दोस्ती बहुत अच्छा चीज़ है। जितना घर में माँ बाप है ना, यहाँ पे विदेश में दोस्त ही काम लगते हैं। तो ये बहुत बहुत दूर रहता है, DIP रहता है, DIP से आया है मुझे मिलने के लिए लॉग इन, और इसका भी ड्यूटी है, अपना ड्यूटी छोड़ के आया हुआ है, ये जोन ऑफ आउट है, ये लॉग इन लेट हो गया इसका, तो यहाँ पर बैठे हुए तो चाय पिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, चाय में जान है, ये मेरा लाइन नहीं है, चाय में जान है, जो रियलिटी ये है वही मैं बोलता हूँ, चाय में जान है। खुद किस्मत हो कि भाई मुझे ये मिला चाट, समोसे का चाट, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं समोसे का चाट, मैं चाय पीऊँगा। यारा बाइक ये है, कुवैती बाइक है, कुवैत का है, ये दोनों कुवैत का है लग रहा है, कुवैत से आया हुआ है यहाँ पे विजिट करने के लिए दुबई में। यार BMW का है, इसे मेरे गरीब बच्चे पता नहीं कितने CC का है, लेकिन ज़बरदस्त है। तो पूछ के वीडियो खींच रहा हूँ मैं, अरबिक से